My religion dictionary, my dictionary. Where were you? I was looking for you everywhere. पता है, नानी का फोन आया था and she said कि हमें छत यानी रूफ की पूजा करनी है. Now how do you do that? My silly sister, छत रूफ की पूजा नहीं, छठ पूजा, सूर्य देव की पूजा to thank him for sustaining life on earth. Oh, so you mean to say कि हमें सन में खड़ा रहना पड़ेगा? पता है, मुझे सनटैन लोशन लगाना पड़ेगा. Sun is considered to be the god of energy and life force. इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं and ask him to grant all our wishes. In Mahabharat, ऋषि धौम्य के कहने पर पांडवाज एंड द्रौपदी ने रीति रिवाज के हिसाब से छठ पूजा की. सूर्य देवता वॉज वेरी हैप्पी एंड गेव देम बैक द लॉस्ट किंगडम. ऑल्सो राम और सीता जब वनवास के बाद अयोध्या वापस आए तो उन्होंने छठ पूजा की टू थैंक सूर्यदेव फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स. तभी से लोगों में छठ पूजा की बहुत मान्यता है. ओके, सो फॉर हाउ मेनी डेज डू वी सेलिब्रेट दिस पूजा? छठ पूजा 4 दिन की होती है. लोग फास्टिंग रखते हैं, होली बात लेते हैं एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ पीपल डोंट इवन ड्रिंक वाटर. बहुत लोग पानी में खड़े रह के अर्घ देते हैं, दैट इज सूर्य देव को वाटर ऑफर करते हैं टू टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड क्योर ऑल द डिजीजेस. ऑल्सो मे बी द विटामिन डी इन द सन हेल्प्स टू कीप अ पर्सन हेल्दी. And the sun rays, I have read somewhere that it keeps a person happy and also cures the depression. So interesting. Basically, there can be no life on earth without the sun. इसलिए तो हम छठ पूजा करते हैं to thank Suryadev. Wow, कितना अच्छा लगता है ना? To stay connected to our roots.